इंटीग्रेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 13। 10 की पावर 7x, देखो इसे हम लिख सकते हैं 10 5x इंटू 10 स्क्वायर x। 10 5x तो अपनी जगह पे रहेगा, 10 स्क्वायर x हम क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब 10 5x sec स्क्वायर एक्स, वैसे ये यहाँ भी माइनस 10 5x कैसे आ जाएगा यार, ये देखो ना 10 5x इस sec स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन से भी होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसको हम जेड मानेंगे, ये डी जेड हो जाएगा। 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन 10 की पावर 6 एक्स अपॉन 6, ठीक है। लेकिन ये अब हमें काम करना पड़ेगा, इसको पूरे पार्ट को ना मैं I1 मान लूंगा, I1 की अलग से इंटीग्रेशन करूंगा जो कि होगी 10 क्यूब x 10 स्क्वायर x। 10 क्यूब x वैसे ही रहेगा, 10 स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x माइनस वन लिख देंगे, लिख देंगे बच्चों। फायदा क्या होना है, देखो ये ना sec स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई, ये वहां 10 क्यूब x भी अलग से आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसे z मान लेंगे, ये dz, z क्यूब अपॉन 4, यानी 10 4 अपॉन 4, यानी ये चीज आ जाएगी। अब रह गया 10 क्यूब x, इसको I2 मान लेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। I2 की इंटीग्रेशन करेंगे 10x into 10 square x, हमेशा जब भी पावर ऑड में हो 10 की 10 स्क्वायर को अलग करते रहो ताकि sec स्क्वायर x माइनस 1 आता रहे। इसको मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर x आ गया, माइनस 10x आ गया। अब फिर वही बात, इसको z मानो, ये dz, तो ये 10 square x upon 2 आ जाएगा। ये 10x रह गया, तो 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ln sec x होता है, और इतने पार्ट से 10 square x upon 2 आ गया। अब माइनस ln sec x है ना, अगर हम यहाँ साइन चेंज करना चाहें तो प्लस लगा के इसको ln cos x भी कर सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ इक्वेशन 2 में ले जाओ और 10 क्यूब x को 10 4x बना दो, फिर ये पूरा I1 यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और ये फिर बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा।